हेलो दोस्तों, अंशिका रसोई में आपका स्वागत है। तो आज हम बताएंगे मूंग दाल का लड्डू कैसे बनता है। ये मूंग दाल नहीं है, ये साबुत है, मूंग है, और इसका लड्डू कैसे बनता है। आप मूंग दाल का लड्डू बनाए होंगे, खाए होंगे, तो ऐसे साबुत मूंग का लड्डू बनाइए। ये बहुत फायदा करता है इसका छिलका उलका। तो हम छिलके सहित बनाएंगे लड्डू और बहुत परफेक्ट बनेगा, जो कि खाने में बहुत अच्छा लगेगा और कमजोरी आपका भाग जाएगा ये खाते ही। तो इसको हम सबसे पहले इसको धो ली हूँ। धोने के बाद इसको कपड़े से पोंछ ली हूँ। देखिए एकदम सूख गया है अच्छे से। अब इसको हम एकदम मीडियम फ्लेम करके इसको भूनेंगे, जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए और अच्छे से भुना ना जाए। तो चलिए गैस की तरफ जा रही हूँ, इसको भून के तब मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मूंग हमारा अच्छे से भुना गया है और इसका कलर आप देख सकते हैं, कलर एकदम बिल्कुल चेंज हो गया है। तो इसी तरह इसको भूनना है और इसको भून के मैं ठंडा कर दी हूँ। अब ये ठंडा हो गया तो इसको मिक्सर में हम पीस लेंगे और एकदम इसका पाउडर बनाएंगे। तो इसको पीस के तब मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको मैं पीस ली हूँ और एकदम पाउडर हो गया है और बहुत अच्छा पिसाया है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। और यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट रखी हूँ कट करके, और इसको हल्का सा घी में फ्राई कर लेंगे। अगर आप नहीं फ्राई भी करेंगे तो भी अच्छा लगेगा। तो मैं थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद से इसको घी में भूनेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे 3 चम्मच घी ली हूँ और इसको गरम कर लेते हैं अच्छे से। तो घी हमारा अच्छे से गरम हो गया है, मीडियम फ्लेम पे इसको गरम की हूँ। ये ड्राई फ्रूट है, इसको हम इसी में डाल देते हैं और 2 मिनट इसको भून लेते हैं। ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का सा इसको भूनेंगे कि जो कि इसका कच्चापन खत्म हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्का हल्का भुना गया है, इसका कच्चापन खत्म हो गया है। अब ये जो हम पीस के रखे हैं पाउडर इसका, इसको इसी में डाल देते हैं। और ये लड्डू बनाने के लिए कंजूसी मत करिएगा, घी का पूरा इस्तेमाल करिएगा। इसमें घी भरपूर चाहिए तभी लड्डू ये अच्छा लगेगा। और एकदम मीडियम फ्लेम पे इसको भुनेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप कलर का इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि कलर जब रहता है तभी लगता है ये मोम का लड्डू है। पर मैं कलर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अगर आपके पास कलर है तो इसमें कलर डाल सकती हैं, हरा कलर, मैं कलर नहीं डालूंगी। तो इसको कम से कम 3 से 4 मिनट एकदम मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे और इसमें हम डालेंगे अब इसके बाद से शक्कर। तो आप जितना मीठा पसंद करते हैं उसी के हिसाब से इसमें शक्कर डालेंगे, और शक्कर हम पीस के डालेंगे, या नहीं तो भूरा है तो भूरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं शक्कर को पीस के रखी हूँ, वही डालूंगी। तो यहाँ पे हम देखिए ये शक्कर पीस के रखी थी, इसको हम इसी में डाल देते हैं। तो हम जितना मीठा पसंद करते हैं उसी के हिसाब से इसको लेंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। तो हम बहुत इजी तरीका आपको बता रहे हैं मोम का लड्डू बनाने के लिए, जो कि झटपट बन के तैयार हो जाए और ज्यादा टाइम भी ना लगे और खाने में एकदम स्वादिष्ट लगे। इसको मीडियम फ्लेम करके इसको मिक्स करें। तो दोस्तों देखिए, शक्कर डालते ही इसका कलर हल्का हल्का चेंज होने लगा है। अब इसको हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको हल्का सा ठंडा करके तब इसको हम लड्डू बनाएंगे। और देखिए कैसा हो गया, एकदम बांधने लायक हो गया है। मैं अगर आपका लड्डू ना बनाए तो इसमें हल्का सा गुनगुना पानी करके डाल सकती हैं, और नहीं तो इसमें घी डालिए। तो हम 1 चम्मच यहाँ घी और डाल देते हैं, जो कि ये लड्डू एकदम परफेक्ट बन के तैयार होके। तो इस तरह का लड्डू आप ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और बच्चे बूढ़े सब खा सकते हैं इसको। तो देखिए ये कैसा हो गया है, अब लड्डू हमारा बनेगा बहुत मस्त। अब गैस को बंद करते हैं और इसको रख देते हैं 2 मिनट के लिए ठंडा करने के लिए। तो दोस्तों देखिए, इस तरह से हम लड्डू बना लेते हैं और हल्का सा ये ठंडा हो गया तभी हम बांध रहे हैं, बहुत अच्छा बना रहा है। हाथ में चाहे तो घी लगा के, पानी लगा के इसको बांधिए, बहुत अच्छा बनाएगा। तो मैं हाथ में ऐसे पानी लगा के इसको बांध रही हूँ, तो अभी भी गर्म है इसलिए हाथ में सहा नहीं जा रहा है, तभी मैं बांध दे रही हूँ इस तरह से। तो ऐसे करके मैं सारा बांध लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। देखिए बहुत अच्छा हुआ है लड्डू हमारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लड्डू हमारा बन गया है, कितना अच्छा बना हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा है। हम एक खा के देखे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए, अगर आपके पास नारियल का बुरादा है तो भी इसमें लगा सकती हैं, और मैं कलर नहीं लगाई थी तो भी अच्छा लग रहा है। अगर कलर लग गया होता तो और अच्छा लगता, देखने में खूबसूरत लगता। तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास कलर है तो कलर लगा सकती हैं। तो ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।